Assalamu alaikum again. We're done with the 11th cranial nerve, obviously. So now we'll move on to the 12th cranial nerve. So 12th cranial nerve, we have what? It is very, very easy. How it is easy? It is simply hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve, glossus is the tongue. Zaban ki nerve. And har cheez is ki hypoglossal. Either glossal or hypoglossal. Aapne sirf glossus ka naam yaad rakha, glossus is tongue. So whatever this nerve does is related to tongue or एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं तो इसका लिखना भी सेम टू सेम ऐसा है, बट एवर वेयर पासेस थ्रू वॉट इज सप्लाइज उसके अंदर ग्लॉसेस जरूर होगा, ठीक है। अब आप चलिए देखिए, पहले तो मोटर नर्व इसका पहला मसल को सप्लाई करती है। व्हेन यू वांट ये सप्लाई किस किस को करती है? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग, ग्लॉसेस मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग एंड देन एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। एक्सट्रिंसिक मसल्स कौन कौन से? स्टाइलो ग्लॉसेस, हायो ग्लॉसेस, जीनियो ग्लॉसेस। सी सिंपल टांग के मसल है तो उनको टांग की नर्व सप्लाई करेगी। दैट्स इतना सा आसान था नाम। जैसे हमने पहले बात की थी आखिरी चार सारी की सारी मेडुला से निकलती है ब्रेन नर्व्स, सो इसका ओरिजिन क्या होगा? मेडुला। द लास्ट फोर ब्रेन नर्व्स ऑल ओरिजिनेट मेडल फ्रॉम मेडुला, तो ओरिजिन इसका है मेडुला। न्यूक्लियस इसका क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सी, तो न्यूक्लियस हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस कौन सा है? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। स्कल से कहां से एंट्री हो रही है? हाइपोग्लॉसल के नाम से। हाइपोग्लॉसल नर्व की से एंट्री होती है? नाम सेम चेंज, कोई नई चीज नहीं है। सो हाइपोग्लॉसल नर्व हैज द न्यूक्लियस कॉल्ड हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, एग्जिट द स्कल थ्रू हाइपोग्लॉसल कैनाल एंड सप्लाइज ऑल द ग्लॉसस मसल्स, दैट इज इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग इंक्लूड स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस एंड जीनियोग्लॉसस। फाइन, इट इज इजी। अब मेन चीज की है कि रूट या पाथवे जिसको हम कहते हैं कि कहाँ से जा रही है, कहाँ को आ रही है। सिंपली देखिए इसकी ये एसएससी से ज़्यादा आसान लगता है और डायग्राम पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम टू सेम। देखिए जी कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स है, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हमने कहा था कि कॉर्टेक्स से आते हैं न्यूक्लियस तक आते हैं। कॉर्टेक्स तो वो सेम न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस का नाम चेंज हो गया हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है। सो इसमें क्या होगा, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कॉर्टेक्स से निकले और हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस तक आए। अब हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस के फाइबर आते हैं अगेन, देयर फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स, दोनों कॉर्टेक्स लेफ्ट और राइट, दोनों कॉर्टेक्स से आके दोनों न्यूक्लियस में जाते हैं। ये देखिए आप, ये डायग्राम है, कॉर्टेक्स से आया न्यूक्लियस में जाएगा, कॉर्टेक्स से आया न्यूक्लियस में। सो वी रिप्रेजेंटिंग दिस न्यूक्लियस बट द सेम थिंग हैपेंस इन दिस साइड ऑफ इट, इस साइड में भी इन दोनों साइडों से फाइबर आएंगे और ये आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ये फोर्थ वेंट्रिकल है आपका मेडुला, ये फोर्थ वेंट्रिकल बिल्कुल नीचे पड़ा होता है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ठीक है जी। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये बस इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो ऊपर से फाइबर ला रहे हैं दे डिफरेंट फ्रॉम जीनोग्लॉस, ठीक है। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कम फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स एक्सेप्ट जीनोग्लॉसस, बिकॉज़ जीनोग्लॉसस ओनली रिसीव्स फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट हेमिस्फीयर। तो ये जो जीनोग्लॉसस के फाइबर है ग्रीन वाले, ये सिर्फ इस साइड से आ रहे हैं ऑपोजिट से। अगर ये राइट का है ये दिस वुड बी, अगर इफ इट इज अ मिरर इमेज तो लेफ्ट का होगा और राइट से फाइबर आ रहे हैं और राइट वाले भी सिर्फ लेफ्ट से फाइबर आएंगे, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, व्हेन वी मूव ऑन टू द क्लिनिकल थिंग्स आपको समझेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसका फायदा होगा। वैसे भी सिंपली देखें यार, अगर ये डैमेज हो जाता है ना, दीज फाइबर्स गेट डैमेज किसी एक साइड के भी, तो व्हाट वुड हैपन, अगर पूरा ट्रैक डैमेज होता है तो बाकी सब तो ठीक रहेगा, लेकिन जीनोग्लॉसस की रिप्रेजेंटेशन किसी एक साइड से, तो जीनोग्लॉसस जो है दैट वुड गेट डैमेज, बाकी मसल ठीक रहेगी, जीनोग्लॉसस डैमेज हो जाएगा। जीनोग्लॉसस अगर डैमेज हो जाए एक साइड का तो दूसरी साइड का जीनोग्लॉसस ज़्यादा काम करता है। जीनोग्लॉसस क्या काम करता है? प्रोट्रूजन ऑफ द टंग एंड दूसरी साइड मूव करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। तो अगर मेरा इस साइड का जीनोग्लॉसस मूव कर देता तो मेरी टंग इस तरह डिविटेड होगी, क्योंकि दिस साइड इज पैरालाइज्ड तो ये वाला ज्यादा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा मूव कर रहा है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ जीनोग्लॉसल फाइबर्स, आपको पता लगता है किस तरह से मसल्स पैरालाइज होते हैं और किस साइड का लीजिए रहे कहाँ पर इंजरी, ठीक है। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स बोथ हेमिस्फीयर से आए, अदर देन जीनोग्लॉसस उसके से एक हेमिस्फीयर से आए और नीचे आगे हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से कहाँ से निकलते हैं? सिंपल सी बात है, लीज मेडुला बिटवीन ऑलिव एंड पैलम, दिस इज द ओलिवरी न्यूक्लियस, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, दिस इज द पिरामिड, इन दोनों के दरमियान से मेडुला निकल जाते हैं, कोई साइंस नहीं है। एंड यू मूव फॉरवर्ड आगे गए तो
हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो निकलती है एग्जिट करती है स्कल्प पर, बोला हाइपोग्लॉसल क्या एग्जिट स्कल्प हाइपोग्लॉसल नर्व दैट्स फाइन। इन द नेक, नेक में वैसे तो देखिए रूट इन द नेक इज अ बिट डिफिकल्ट या इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, सो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू गेट इट ऑल इन द केले आप इन द इन द बैक ऑफ योर माइंड, बट व्हाट यू कैन डू इज आप इसको इतना सा कर सकते हैं कि आप सोच लेंगे क्या क्या हो रहा है बस। शुरू शुरू में जब निकली है तो इंटरनल कॉन्टिनेंटल जनरल रिंग साथ साथ ही होती है, इन दोनों के दरमियान से गुजरती है, नीचे आती है, नीचे डायगेस्टिक मसल आया है, डायगेस्टिक मसल की पोस्टीरियर बेली तक जाती है, लोअर बॉर्डर पे पोस्टीरियर बेली और डायगेस्टिक के लोअर बॉर्डर पे जाती है, उसके नीचे आने फॉरवर्ड जाती है, आगे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेटेड आर्टरीज पड़ी होती है, लिंगुअल आर्टरी पड़ी होती है जो ब्रांच होती है, तो इनको क्रॉस करती है इन द एंड। अब इसने पहुंचना है जबान तक, तो ये नीचे आई है आगे आई है अभी जबान तक आ गई, डाउन फ्रॉम सिमिलर इंटरनल कैरोटिड और इंटरनल जगुरल के दरमियान में आगे आई, नीचे डायगेस्टिक आई आगे आई, जब आगे आई तो इसने इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्रॉस किया, लिंगुअल आर्टरी क्रॉस किया, अभी टंग तक आ रही है, टंग तक आने के लिए क्या करेगी, इट पासिंग बिटवीन द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द माइलोहायॉइड एंड देन इट कम्स टू लाई ऑन द लैटरल सर्फेस ऑफ द हायोग्लॉसस मसल, हायोग्लॉसल मसल की लैटरल सर्फेस पर रुक जाएगी, वहां पे लेट जाएगी आके जहां पे एंड हो गई, एंड देन इट विल गिव ब्रांचेस टू द अदर मसल्स, जिसमें वही वाले मसल है हायोग्लॉसस को दे स्टाइलोग्लॉसस है जीनियोग्लॉसस है एंड द ड्रेजिक मसल ऑफ द टंग ज़बान के मसल्स को दे, बस यहां पे आके जाकर मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज अगेन इफ यू सी द डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल न्यूक्लियर फाइबर्स आए जो न्यूक्लियस तक गए, मोस्टली दोनों हेमिस्फीयर से थे, अदर देन जीनियोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस सिंगल हेमिस्फीयर से ऑपोजिट हेमिस्फीयर से आए जीनियोग्लॉसस के, अब ये इकट्ठे जा रहे हैं हाइपो, ये पूरी नर्व इज हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सिटिंग थ्रू द हाइपोग्लॉसल कैनाल। अब देखिए अगर इधर डैमेज है ना लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन कैसे है, न्यूक्लियस के नीचे है तो इट इज लोअर, इसके ऊपर है तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर में क्या होता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोअर के अंदर एक तो टंग डिविएट कर जाती है पैरालाइज साइड की तरफ, पैरालाइज साइड की तरफ क्योंकि सारे के सारे मसल जन बोल रहे एंड क्या होता है जी एट्रोफी होती है, फिसिकुलेशन होती है, एट्रोफी और फिसिकुलेशन कैसे होती है, एट्रोफी और फिसिकुलेशन इस तरह से होती है कि जब भी किसी मसल की नर्व सप्लाई खत्म होती है आपकी बॉडी में टांगों में हाथ में जहां भी, तो द सेम कॉन्सेप्ट हैपेंस आपका वो फड़कने लग देते हैं वीकनेस वीक हो जाती, तो जबान निकाल कर मूवमेंट होती रहती है उसकी फ्लिकरिंग होती रहती है, दैट इज एट्रोफी वीकनेस बिकॉज सारी नर्व सप्लाई चली गई। द डिफरेंस इज कि अगर सुपरा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो उसमें एट्रोफी नहीं होगी, सिर्फ टंग डिविएशन होगी, ठीक है पहली चीज। इसके बाद आगे दूसरी चीज के ऊपर एक्शन हमें देख लिया है, क्या करता है कि इट कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड शेप ऑफ द शेप एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, क्लिनिकल से हमें देख लिया है सुपरा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज C1 फाइबर्स टू बी दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच बुक में लिखा है, बट सिंपली इस तरह से कि ऊपर जो पार्ट है ना हाइपोग्लॉसल नर्व का उसके अंदर C1 के फाइबर्स जोड़ सकते हैं अपर पार्ट में जस्ट फॉर द सेक ऑफ सपोर्ट पिगी बैक करते हैं, क्योंकि वो डेलिकेट फाइबर होते हैं ऊपर आते हैं अपर पोर्शन में थोड़ी सी देर हाइपोग्लॉसल नर्व में रहते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी एंड देन दे एग्जिट द हाइपोग्लॉसल नर्व और सप्लाई द मसल होता है, कोई कर ताल्लुक नहीं कुछ भी नहीं हो करते बस सपोर्ट के लिए थोड़ी देर भी आते हैं और बाहर निकल जाते दैट इज ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट 12th cranial nerve, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, इट इज वेरी इजी कि क्या करना है कुछ भी नहीं करना, हर चीज जो ग्लॉसल वाली है उसको अंदर ले आना, मोटर नर्व है आखिरी क्रैनियल नर्व है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से निकलती है, हाइपोग्लॉसल कैनाल से बाहर निकलती है, मसल ऑफ टंग को सप्लाई करती है और एक्सटेंडेड मसल ऑफ टंग को सप्लाई करती है जो सारे ग्लॉसल स्टाइलोग्लॉसल जीनियोग्लॉसल हायोग्लॉसल एंड दैट इज इट दैट्स इट अबाउट द 12th cranial nerve। सो टुडे वी हैव डन 11th एंड 12th cranial nerve, आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी, अगेन रिव्यू करने के लिए स्नेल की न्यूरल एनाटॉमी पढ़े और यूट्यूब पे वीडियोस देखें एंड आई होप आपको आराम से मिल जाती है। थैंक यू।